आज की यह वीडियो मैथ से संबंधित है, तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई जो हानि है वो 720 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य मान लेते हैं, ठीक, कितना x रुपए। क्लियर, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा 560 रुपए में बेचने से हुई हानि, तो हानि क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 560 रुपए में बेचने से हुई हानि 720 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है। क्लियर, ये पक्ष इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा भाई, तो ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर क्या हो जाएगा, 720 x माइनस में, प्लस में हो जाएगा 50। यहाँ पर x x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस के माइनस माइनस है जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 और 6 2 8 और 7 5 12 बराबर 50। यहाँ पर 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 8 5 13 3 हासिल 1 2 1 3 1 बटे 2 2 6 12 और 2 5 10 665 रुपये। एक्स का मान क्या आ गया, 665 रुपये, मतलब क्रय मूल्य का मान क्या हो जाएगा, 665 रुपये। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, 665 रुपये क्रय मूल्य होगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।